श्री शिवाय नमस्तुध्यम। दोस्तों, हरियाली अमावस्या का पर्व सावन अमावस्या के दिन होता है। हरियाली अमावस्या की तारीख को लेकर इस बार कंफ्यूजन बना हुआ है। हरियाली अमावस्या 3 अगस्त को है या 4 अगस्त को, ऐसे में आइए जानते हैं कि हरियाली अमावस्या की सही तारीख क्या है। हरियाली अमावस्या सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पड़ती है। इस साल हरियाली अमावस्या पर 4 शुभ संयोग बनने से इस बार श्रावण अमावस्या विशेष शुभ मानी जा रही है। हरियाली अमावस्या का लोगों को इंतजार साल भर रहता है, क्योंकि पौधे लगाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस समय बारिश के कारण पूरी धरती पर हरियाली होती है और प्रकृति अपने सुंदर रूप में होती है। इसी वजह से सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल हरियाली अमावस्या 3 अगस्त को है या 4 अगस्त को। हरियाली अमावस्या के दिन पौधे कब लगाएं और हरियाली अमावस्या पर पितरों के लिए दीप कब जलाना शुभ है। सावन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू 3 अगस्त की दोपहर 3:50 पर होगी। सावन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त 4 अगस्त शाम 4:42 पर होगी। ऐसे में उद्यापति के अनुसार हरियाली अमावस्या का पर्व 4 को मनाया जाएगा और इसी दिन दान पुण्य आदि कार्य किए जाएंगे। हरियाली अमावस्या के दिन पौधे लगाने के साथ ही अपने पितरों को खुश करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सावन अमावस्या भी है, जो कि पितरों के लिए बेहद खास होती है। हरियाली अमावस्या के दिन आप देव वृक्ष की श्रेणी के पौधे लगा सकते हैं। इस दिन आप सुबह स्नान कर अपने पितरों के लिए तर्पण और दान करें। हरियाली अमावस्या के दिन रवि पुष्प योग बन रहा है। रविवार के दिन जब पुष्प नक्षत्र होता है तो उस समय रवि पुष्प योग बनता है। पुष्प नक्षत्र को उच्च उपज, पोषण, देखभाल, ऐश्वर्य, सौभाग्य आदि के लिए शुभ माना जाता है। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आप हरियाली अमावस्या के दिन सुबह 5:44 से दोपहर 1:26 के बीच पौधे लगाते हैं तो वह आपके लिए सुख समृद्धि कारण होगा। इसके साथ ही ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इस साल हरियाली अमावस्या पर 4 शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार हरियाली अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग, रवि पुष्प योग और पुष्प नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। हरियाली अमावस्या के दिन ब्रह्म पूजन मुहूर्त 4 अगस्त सुबह 4:20 से शुरू है। 5:02 तक अभिजीत पूर्व मुहूर्त 4 अगस्त दोपहर 12 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या पर सावन स्नान दान का समय 4 अगस्त सुबह 5:54 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। पितरों के लिए दीपक जलाने के शुभ समय। हरियाली अमावस्या के दिन आप प्रदोष काल में अपने पितरों के लिए दीपक जला सकते हैं, यानी 4 अगस्त को शाम 7:10 पर सूर्यास्त होगा और उसके बाद जब अंधेरा होने लगे तो आप अपने पितरों के लिए दीपक जलाकर रख सकते हैं। पितरों के लिए दिए जलाने के लाभ धार्मिक मान्यताओं की माने तो अमावस्या के दिन पितृ
धरती पर आते हैं, जिससे वे अपने वंश से अत्यंत तृप्त हो सके और अपने वंशों को आशीर्वाद दे सके। जब वे वापस प्रीतलोक जाते हैं तो उनके रास्ते में अंधेरा ना हो, इसलिए अमावस्या के दिन दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से उनका मार्ग रोशन रहता है और जिससे वे खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन का महीना देवी देवताओं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण देना और दान पुण्य करना भी बहुत लाभकारी होता है। हिंदू परंपराओं के में पेड़ पौधों में भगवान का वास बताया गया है और लोग हरियाली अमावस्या के दौरान पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की प्रथा है। हरियाली अमावस्या पर पेड़ पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पीपल के पेड़ तीन देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। अगर आप इस दिन एक पौधा लगाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अमावस्या का दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है, इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण और पिंडदान करना शुभ है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। हर हर महादेव। जय महाकाल।